राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों दिन है रविवार का और यहाँ पर हमारा सुबह का काम मतलब पूजा पाठ वगैरह हो चुका है और आज बहुत जल्दी उठ गए थे तो 6 बजे तक हमारा नहाना धाना हो गया था। और यहाँ पर हमारी बेटी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है आज, तो फिर इसी चक्कर में मुझे जल्दी से उठना पड़ा। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है और ये देखिए तो गर्म हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूध है बाउल हो चुका है और चाय बन चुकी है। और दोस्तों मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे तो आज हमारी बेटी को थोड़ा सा लूज मोशन हो गया था, तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है बच्चों को गर्मियों में, और जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा खा लें तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ढेर सारे कपड़े धुले थे क्योंकि सारे कपड़े फिर हमने धुले थे। और यहाँ पर धूप आ चुकी है, 8:30 बजे या 9 बजे तक बहुत ही अच्छी धूप आ जाती है। और धूप क्या इस टाइम हमारे बरामदे में डायरेक्ट दोनों बरामदे में धूप लगती है सुबह के टाइम 10-11 बजे के टाइम बहुत तेज़ धूप लगती है। गर्मी भी बहुत लगती है क्योंकि जब सामने धूप आती है तो इसीलिए फिर, और जो मेन गेट है तो वो पूरब साइड का है तो इसीलिए सामने धूप आती है। और यहाँ पर सारे कपड़े डाल दिए थे, सूख भी गए हैं, तो बेड शीट वगैरह सभी धुली थी। और ये मैंने वाइट कलर का जो कवर है इसको गद्दा में डालूंगी ये वाला, तो इसको मतलब मैंने नील लगा दिया है। और उसके बाद फिर हमारे काम शुरू हो रहे हैं, तो आज बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी और शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च बहुत दिनों से रखी थी और सब्ज़ी में अच्छी नहीं लगती है हमारे पति जी को, तो फिर मैंने सोचा करेले में डाल देती हूँ, अच्छी भी लगेंगी। तो यहाँ पर सारी मैंने बना दी है, कुछ ज़्यादा लगती थी बट मैंने कहा फिर रखेंगे तो ये सूख जाएंगी। फ्रिज में भी रखो तब भी सब्ज़ी 2-4 दिन तक सही रहती है, फिर सूखने लगती है। तो यहाँ पर करेला जो है वो और शिमला मिर्च, तो आज मैं जो काट के करेला बनाऊँगी, पिछली बार मैंने भर के बनाए थे तो इस बार मैं काट के बनाऊँगी। तो गोल आकार में काट लिए हैं और शिमला मिर्च को भी काट लिया है, तो आज एक नए तरीके से बनाऊँगी शिमला मिर्च और करेले की सब्ज़ी। और बनाऊंगी मतलब एक रसेदार सब्जी बना लूँगी आलू टमाटर की। तो दोस्तों आज हल्की डबल रोटी सेकूँगी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी कट करके और इधर लहसुन और प्याज को कट कर लिया है। और देखिए करेले भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम हरे हरे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखिए। तो यहाँ पर करेले को कट कर लिया है और ये है शिमला मिर्च, तो इनको भी कट कर लिया है। सारी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से धुल ली हैं, पहले भी धुल के रखती हूँ और बाद में काट के भी धुल ली हैं। तो अब बनाऊंगी सब्ज़ी, तो यहाँ पर सारी जो सब्जियाँ और मसाले जो हैं वो पहले रख लूँगी। तो हमने थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली थी और लहसुन लिए थे और 2-3 प्याज लिए थे और यहाँ पर सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी को एक साथ ही भून लिया था। तो यही मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और करेलों में तो यही खास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीस लिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी। और इधर 4 से 5 अमियां काट ली हैं, अमियां भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और जब तक अमियां ना पड़े तब तक मतलब करेले अच्छे नहीं लगते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मतलब रख ली है काट के इधर। और यहाँ पर मैंने हल्का सा उबाल लिया था क्योंकि जो कच्चे करेले होते हैं इस तरह से बनाओ तो फिर बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद उबालने के बाद कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल बहुत ज़्यादा मतलब ठीक डाला था बट फिर भी थोड़ा सा कम लग रहा था। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने कट करके रखी हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर ये सब मैंने संडे को ही बना लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और बच्ची के साथ भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर मैंने संडे को ही बनाया था। और ये देखिए ये मैंने मसाले लिए हैं, नमक है स्वाद अनुसार, ये पिसा हुआ मसाला है, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, तो सभी मसालों को डाल दूंगी थोड़ा सा पानी मिक्स करके।
और फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी अच्छे से। और जो पिछली वीडियो मैंने डाली है तो उसमें बिल्कुल भी मतलब बस टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा आप लोग स्किप करके देखते हैं, मन उदास हो जाता है, मन करता है कि ये काम बंद कर दूँ, ना डालूँ वीडियो। फिर एक मन कहता है कि चलो मेहनत करते रहो, कभी तो सफलता मिलेगी ही, तो फिर इसीलिए कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। और जो भी दोस्त हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और फुल वॉच करते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल पे। और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी दोस्त खुश रहें और उनके जीवन में ऐसे ही तरक्की होती रहे, आगे बढ़ते रहें। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सब के लिए। किचन में तो बुरा हाल हो जाता है, गर्मी में काम करने का मन नहीं होता है, इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, लाइट बहुत कम आई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मसाले अच्छे से भून रहे हैं और उसके बाद इसमें डाल दूंगी अमिया, तो अमिया भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अमिया को डाल दिया है, अब अमिया हल्की सी फ्राई हो जाए फिर उसके बाद करेलों को डाल दूंगी। तो इस तरह से बनाऊंगी सब्जी, करेले की बहुत ही टेस्टी बनती है और ये रोटी पराठा सभी के साथ अच्छी लगती है, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर घर पर बना कर देखिएगा। और शिमला मिर्च डालने से करेले की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है, वैसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होते हैं। इस तरह से बनाओ, बस हल्के से उबाल लेना चाहिए, उबालने से जो भी कड़वाहट है वो निकल जाती है। तो हमारे बस इसी तरह से तैयार हो चुके हैं, अब इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, फिर उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। और इधर हम करेले को तैयार, मतलब करेले की सब्जी बन रही है, बन चुकी है, इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। तो आप सभी को मैंने बताया हल्की सी मोटी रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज संडे तो फिर पापा जी का मन होता है मोटी रोटी खाने का, तो हर संडे को बस मैं बना देती हूँ। तो ये रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं, अगर गर्मा गर्म खाई जाएँ तो एकदम बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन रखने के बाद थोड़ी सी मुलायम हो जाती हैं। तो यहाँ पर आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था और आज है एकादशी, तो सिर्फ चावल नहीं बनाए हैं, बस यही रोटियाँ बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा आटा रख दूँगी क्योंकि मुझे आटा ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने लगा लिया, फिर इसमें लगा दूँगी, शाम को भी रोटियाँ बना लूँगी फिर इसी तरह से। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में। तो फिर बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और थोड़ी सी पतली बनाऊँगी, थोड़ी सी हल्की डबल बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हमारे यहाँ मतलब सिर्फ पापा को पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हल्की डबल रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं खाते हैं क्योंकि वो पतली टाइट हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं खाते हैं, ठीक हो एकदम सही। और फूली हुई रोटी हो तो अच्छी होती है, फूल जाती है रोटी तो मुलायम होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बना लेती हैं रोटियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही गर्मी लग रही है। और आज हमारी बेटी भी नहीं खेल रही है, नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरती है क्योंकि उसे थोड़ी सी वीकनेस आ गई है, और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कहीं कुछ खा लेती है ऐसी वैसी चीज़ें, फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों करेला की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला नहीं डाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसीलिए, तो इसलिए फिर मैंने इसी तरह से बनाए हैं देखिए, और बहुत ही खट्टी चटपटी बनी है। और यहाँ पर लग गई है थाली, तो आप लोग भी आइए। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, ब्लॉग अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी।